दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं जो एनालॉग टाइमर होता है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जो एनालॉग टाइमर स्ट्रीट लाइट में यूज़ होता है जो कि स्ट्रीट लाइट को सुबह शाम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराता है, तो इसके बारे में जो भी दोस्त सब कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में तो वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, क्योंकि हम सोलर प्लांट और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये है एनालॉग टाइमर जिसमें कनेक्शन करने के लिए 5 पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है पहला नंबर, उसमें हमें फेस को कनेक्ट करना पड़ता है, और दूसरा जो होता है उसमें हमें न्यूट्रल देना पड़ता है, और जो तीसरा टर्मिनल होता है उसे हमें क्या करना होता है फेस से लूप कर देना होता है। इसके बाद जो चौथा और पांचवा पॉइंट होता है वो हमारे NONC होते हैं। तो चलिए हम इसके कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लूप लेंगे और लूप को हम फेस से पहले नंबर कनेक्टर से तीसरे नंबर कनेक्टर से लूप कर देंगे, और जो फेस वायर लेंगे उसको हम पहले नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। सभी कनेक्शन को अच्छे से टाइट करना होगा, अगर कोई भी कनेक्शन लूज़ रह जाता है तो उससे क्या होता है उसमें स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग होने से कोई भी इक्विपमेंट है वो जल सकता है और आग भी लग सकती है। तो इसीलिए सभी वायर्स को जो कनेक्टर होते हैं उसको अच्छे से टाइट करें, उसको बिल्कुल भी लूज ना रहने दें। अब इसके बाद हमारा जो न्यूट्रल वायर है उसको हम जो दो नंबर कनेक्टर है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने न्यूट्रल वायर लिया है और इसको भी हम अच्छे से टाइट करेंगे। इसके बाद हम इसे न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे और लोड को कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा लोड 15 एम्पियर से कम है तब तो हम लोड को डायरेक्ट जो टाइमर है उससे दे सकते हैं, अगर लोड 15 एम्पियर से ज़्यादा है तो इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करना होगा और जो लोड है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा देना होगा। तो देखिए जो हमारा 4 और 5 नंबर कनेक्टर होता है उसमें अगर हमारी जो पिन अंदर की साइड है तब हमारी जो सप्लाई आएगी वो 5 नंबर में आएगी, और जब पिन हमारी ऊपर की साइड है एरो के साइड जो रहेगी तो उसमें हमारा 4 नंबर में सप्लाई आएगी। तो चलिए अब हम इसको लोड से कनेक्ट सप्लाई देके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेज की सप्लाई को कनेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे जो टेस्ट लैंप है उसका एक वायर हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने टेस्ट लैंप का एक वायर न्यूट्रल में कनेक्ट कर लिया है, और टेस्ट लैंप का जो दूसरा वाला वायर है उसको हम 4 या 5 नंबर कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। तो टाइमर में हमारी सप्लाई आ गई है। तो देखिए जो टाइमर है उसमें एरो के सामने जो पिन है वो नीचे की साइड है, तो सप्लाई जो है वो 5 नंबर कनेक्टर में आ रही है, और जैसे ही जो पिन है वो एरो के सामने ऊपर की साइड जाएंगी तो वहाँ पर जो सप्लाई है वो 4 नंबर कनेक्टर में आएगी। तो देखिए 4 नंबर कनेक्टर में कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए जब पिन जो है ऊपर है तो अब 4 नंबर कनेक्टर में सप्लाई आ रही है, और फिर जैसे ही जो पिन है वो एरो के सामने नीचे की साइड आ जाएंगी तो वो सप्लाई है वो 5 नंबर कनेक्टर में दोबारा आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। और जो टाइमर में एक पिन होती है, जो पिन दिखाई दे रही है वो एक पिन 15 मिनट की होती है। अगर हमें कहीं पर भी 15 मिनट टाइम को एडजस्ट करना है तो हमें एक पिन को ऊपर नीचे करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल KV इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और सोलर प्लांट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं।